हुआ नहीं, बस देखिए नीचे में तीन बड़ा वाला पैकेट है, यहाँ पे पहुँच गया और गाड़ी यहाँ थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि गाड़ी जो है वो यहाँ से। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, बात ये हुआ, कल थोड़ा मैं काम से गुवाहाटी चला गया था, तो वही थोड़ा काम था, इसी वजह से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। तो रात को फिर मैं वापस आ गया, तो एक्चुअली देरी भी हो गया आते आते, तो मैं तो मौसी के घर में ही था, सो इसी वजह से मैं कल कोई वीडियो अपलोड कर नहीं पाया। सो सॉरी दोस्तों, एक दिन मेरा गैप हो गया फिर से। तो आज तो मैं आ गया रूस का जैसा ऑकलैंड में डायरेक्ट, और दोस्त लोग कोई भी नहीं है। मैंने कॉल भी किया था तो उसने बोला कि मैं अभी घर से निकल रहा हूँ, तो वही बात है दोस्तों। और ऊपर में भी जगह नहीं मिला मुझे, तो मैं नीचे आके रुका हुआ हूँ। सो रुकते हैं दोस्तों। वैसे तो कल एक भी कॉल नहीं आया, सोचिए दोस्तों, एक भी कॉल नहीं आया मेरा पास कोई ट्रिप के लिए। कल तो वैसे तो मैं था ही नहीं, कुछ काम भी था, और बेकार में बैठ के तो अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से थोड़ा घूमने चला गया था गुवाहाटी के लिए दोस्तों, वही बात है। सो आज करते हैं वेट दोस्तों, देखते हैं आज क्या होता है। कल तो कोई कॉल नहीं आया, ऐसे तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया इसी वजह से। सो आज देखते क्या होता है, करते हैं वेट दोस्तों, मिलता है कोई काम आएगा सच। One hour later. सो दोस्तों, फाइनली एक घंटा हुआ नहीं, बस 3 मिनट बाकी है, तो आफ्टर भाई का कॉल आ गया MB फर्नीचर से। सो शायद कुछ क्या सामान है क्या नहीं कुछ पता नहीं, जस्ट कॉल करके मुझे बोला है कि GS सूट आने के लिए। सो शायद मुझे लग रहा है कि GS सूट से सामान लोड करके कहीं पे लेके जाना पड़ेगा। सो कहीं पे कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा वो तो पता नहीं दोस्तों, जस्ट बुलाया ही है और आफ्टर भाई ने बुलाया तो कन्फर्म है। सो वही बात है दोस्तों, तो जाते हैं और जाके डाल के दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा सामान है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता और मैंने पूछा भी नहीं है, वही बात है दोस्तों। तो जाते हैं डायरेक्ट अभी GS रोड, जाके डाल के मिलते हैं दोस्तों। तो GS रोड तो मैं पहुंच गया दोस्तों, लेकिन बात ये है ट्रैफिक जाम। एक्चुअली जैसे मैं निकल के आया था ऑकलैंड से, वहां से पॉइंट तक इतना ट्रैफिक जाम नहीं मिला, लेकिन GS रोड घुस गया तो ट्रैफिक जाम कुछ ज़्यादा ही है। और टाइम हो रहा है 1:12, तो यहाँ पे आते आते 12 मिनट का ऊपर हो गया, यहाँ आते पहुँचते पहुँचते 12 मिनट का ऊपर ही लग गया। तो मैंने तो कॉल तो कर दिया है अवतार भाई को, उसको बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ LDB बिल्डिंग से, उन लोग का जो गोडाउन है वहाँ से मुझे सामान डालना है, सामान डाल के मिलते हैं दोस्तों। जाके लगा रहा हूँ गाड़ी सामने में LDB में। A little longer than a few minutes later. सो दोस्तों, फाइनली सामान डालना हो गया। ये देखिए नीचे में तीन बड़ा वाला पैकेट है, यहाँ पे एक बड़ा पैकेट है, मैंने इसको साइड में डाल दिया है। और ये है चेयर, ये एक्चुअली ये टेबल है, उन्होंने बोला है दोस्तों। ज़्यादा दूर तो नहीं जाना है, बस जाना है बीवा रोड सामने ही, तो उन लोग आ रहे हैं, शायद उन लोग को फिटिंग करना होगा। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा भारी है दोस्तों, ये टेबल मैंने सोचा भी नहीं था इतना भारी होगा। डालना तो हो गया कंप्लीट, अभी वो लोग आने से फटाफट निकल जाएंगे दोस्तों। वैसे तो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ये साइड नहीं जाना है, तो आने से निकलते हैं दोस्तों। फाइनली पहुंच गया और गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक गाड़ी लोड हो रहा है, देखिए बोलेरो पिकअप पीछे में। सो जब तक ये लोड होगा तब तक मैं ढाल नहीं सकता गाड़ी, तो रुकना पड़ेगा दोस्तों। ये इसका ख़त्म होकर निकलेगा तभी मैं ढालूंगा अंदर, तो वेट करते हैं थोड़ा टेक। One hour later.
दोस्तों फाइनली सामान भी उतरना हो गया कंप्लीट और थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि गाड़ी जो है वो यहाँ से सामान मतलब खाली हो रहा है। सब यहाँ पे जो सामान ऑफिस का है वो सब आएगा, बहुत सारा है। बिस्तरा वगैरह देखिए, यहाँ पे देखिए बिस्तरा उस तरह रखा हुआ है। सो ये सब जाएगा, गाड़ी लोड होके तो चला गया, फिर से वो सामान छोड़ के कहीं पे आएगा, फिर से आके लोड करके लेके जाएगा। जो बोलेरो आपने देखा है उसी में लोड हुआ है। सो वो जाने के बाद मैंने गाड़ी ढाल दिया और ढाल के सामान वामान उतार दिया। तो चलिए अभी चलते हैं दोस्तों ऑकलैंड, क्योंकि जी एस नहीं जाऊँगा, ऑकलैंड ही जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, जाते डायरेक्ट ऑकलैंड में, ऑकलैंड जाके बात करते हैं। और टाइम कुछ ज़्यादा ही लग गया दोस्तों, टाइम 2:36। सो जाते हैं और जाके बात करते हैं ऑकलैंड में दोस्तों। ऑकलैंड जाने का बजाय मैं आ गया जीएसओ ने, मन किया थोड़ा टाइम बैठूं, वैसे तो बैठता ही नहीं, और वैसे भी सुमंदा लोग मेरा साथ ही आया है तो इसी वजह से आ गया। तो अभी थोड़ा टाइम बैठता हूँ, देखता हूँ क्या होता है दोस्तों, कुछ हो पाता है या फिर नहीं। वैसे तो कुछ लगता नहीं होगा, पूरा दुकान एक दुकान दिखाई दे रहा है मुझे, एक दुकान में भी कस्टमर नहीं है। जब मैं ऊपर से आ रहा था नीचे में, एक दुकान में भी कस्टमर नहीं है। तो कस्टमर अगर सामान ही लेगा तो मुझे कहाँ से मिलेगा काम, वही बात है दोस्तों। तो वेट करते हैं, देखते हैं कुछ हो पाता है या फिर नहीं। दोस्तों लगता नहीं है कुछ होगा, थोड़ा टाइम यहाँ पर बैठूँगा, फिर वही मुझे ऑकलैंड ही जाना पड़ेगा। तो देखता हूँ कितना टाइम बैठता हूँ। वैसे मैं जाता था ऑकलैंड, लेकिन बात यह है ऑकलैंड में कोई भी नहीं है, दोस्त लोग भी आया नहीं है। मैंने थोड़ा देर पहले कॉल किया ही था तो उसने बोला वो नहीं आया, इसी वजह से मैं जी एस ओ चलाया। दोस्तों थोड़ा टाइम बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं। 5 hours later। सो दोस्तों फाइनली चला आया पार्किंग में, मैंने गाड़ी ढाल दिया है और बहुत दिनों बाद दोस्तों जी एस ओ में बहुत टाइम बैठा, करीब 5 घंटा। हाँ 5 घंटा दोस्तों, और मन नहीं कर रहा था दोस्तों, लेकिन बात यह है दोस्त को मैंने कॉल किया था तो दोनों दोस्त में से कोई भी नहीं था, मैंने मतलब ऑकलैंड में, इसी वजह से मैं बैठा रहा। तो वहाँ पे जाके भी क्या ही किया जाए दोस्तों, इसी वजह से बहुत दिनों बाद बैठा बहुत टाइम, वही है दोस्तों। और फाइनली चला आया, लेकिन 5 घंटा रुका दोस्तों, 5 घंटा कोई मामूली बात है नहीं, वही बात है। सो आज का वीडियो अगर पसंद है दोस्तों, छोटा मोटा ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा दोस्तों। सो आज के लिए ब्लॉग बस इतना दोस्तों, फिर कल भी देखने ब्लॉग के साथ, तब तक लेट नाइट, जय हिंद दोस्तों।